नेतृत्व में ओमकारेश्वर के लिए विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने संबोधित भी किया। कावड़ यात्रा के संयोजक राजकुमार मेव मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मंत्री कमल पटेल ने कावड़ राजकुमार मेव के कंधे पर रख कर यात्रा शुरू की। इस दौरान पटेल ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर नर्मदा घाट से जय स्तंभ चौराहे तक लेकर साथ चले। बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। जगह जगह कावड़ यात्रा का लोगों द्वारा स्वागत किया। यात्रा का पहला पड़ाव ग्राम कतर गांव में होगा, जहां भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। दूसरे दिन कावड़ यात्रा दूसरे पड़ाव के लिए रवाना होगी और तीसरे दिन ओमकारेश्वर पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी तरफ बड़ी आशा भरी नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निराशा को आशा में बदला है और भारत को दुनिया में सम्मान दिलाया है, तो यह हम सबका गौरव और सम्मान है और उसके लिए जितने प्रधानमंत्री जी को बधाई उससे ज्यादा आप सबको, क्योंकि आप सब साल है, अमृत महोत्सव है और हम अमृत की संतान है, इसलिए सावधान हो जाना। और मेव जी का, राजकुमार जी का 13वां ये आयोजन है और जब तक मैं नहीं भूलता हूं तो कोई भी तपस्या 12 साल में सिद्ध हो जाती है और 13 साल ये 13वां साल है, तो कोई ये साधारण बात नहीं है। और हमारा जो मंत्र है ना, श्री राम जय जय राम, ये जो अभी मैंने गान कराया वो 13 अक्षर का है और वो विजयी मंत्र है, इसलिए राजकुमार जी विजयी भाव, ऐसा सब लोग को कहते हुए आप सबको मेरा जय श्री राम।